सा सीरम कैसे यूज़ करना है, सीरम्स की लेयरिंग कैसे करनी है, और सीरम्स जो होते हैं कौन से सीरम्स किसके साथ लग सकते हैं, और कौन से सीरम्स किस प्रोडक्ट के साथ उसकी लेयरिंग नहीं हो सकती। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी हम आपको ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं यहाँ पे, उसकी जो एक इंटेग्रिटी है, उसकी जो लाइफ है, उसका जो पूरा एक कहना चाहिए कि जो उसका पूरा रिज़ल्ट है, वो उसी सूरत में सामने आता है जब आपकी नाइट केयर, आपकी नाइट रूटीन, जब आपके जो घर पे जो आप एक केयर प्रोवाइड करते हैं अपने स्किन को, वो उसका बड़ा इंटेग्रल पार्ट है सारी रूटीन में। तो ग्लाइकोलिक एसिड का जो सीरम है ये यूजुअली नहीं मिलता, ग्लाइकोलिक एसिड का जो सीरम है ये अवेलेबल नहीं होता, बिकॉज ये आपको टोनर की फॉर्म में मिलेगा कमर्शियली अवेलेबल प्रोडक्ट्स के अंदर। और टोनर की फॉर्म में ऐसे होता है कि जैसे ऑर्डनरी का 7% या पिक्सी का 5% ग्लाइकोलिक एसिड आपको मिल जाएगा, इससे ज़्यादा आपको टोनर नहीं मिलेगा। तो आपने हफ्ते में दो बार ग्लाइकोलिक एसिड का टोनर यूज़ करना है। पहले आपने डीप क्लेंजिंग करनी है ऑफिस से आके या बाहर से आके, या अगर आप कहीं भी नहीं जाती हैं, आपकी घर की रूटीन है, कुकिंग की है, सारा दिन आपने घर में गुजारा है, तो आपने सबसे पहले जो आपकी क्लेंजिंग है वो कर लेनी है। फिर आपने फेस को वॉश करना है, वॉश करने के बाद आपने टोनर को अप्लाई करना है। हफ्ते में दो दिन आप ग्लाइकोलिक एसिड का टोनर यूज़ करेंगी, और हफ्ते के जो बाकी दिन हैं यानी 5 days a week आप नॉर्मल टोनर को यूज़ कर रही होंगी। नॉर्मल टोनर को यूज़ करने का मकसद ये है कि वो आपके पोर्स को श्रिंक करे, पोर्स को बंद करें, और जो भी आप प्रोडक्ट्स उसके ऊपर लगाएंगी वो फिर आपकी स्किन में प्रॉपरली सील हो सकेंगी। अच्छा, अब आपने जिस दिन आपने ग्लाइकोलिक एसिड का सीरम अप्लाई किया, उस दिन आपने साथ सिर्फ हायलुरोनिक एसिड यूज़ करना है, या अंडर आई क्रीम आप यूज़ करेंगी, या कोई भी अच्छी क्वालिटी का डीप मॉइस्चराइज़र आप उसके साथ अप्लाई कर सकती हैं, या फिर बहुत खूबसूरत रोज़ ऑयल्स हैं, फेशियल ऑयल्स हैं, जैस्मीन ऑयल्स हैं, आप लेयरिंग उसके साथ भी कंप्लीट कर सकती हैं। ग्लाइकोलिक एसिड के साथ आपने, ग्लाइकोलिक एसिड टोनर के साथ आपने कोशिश करना है कि आपने कोई भी मल्टी पेप्टाइड सीरम, कोई रेटिनॉल या विटामिन सी, या कोई भी मिट्रिक्सल हो गया, रेजवेरिट्रॉल हो गया, या सेलिसाइलिक एसिड या नायासिनमाइड, आप कोशिश करें कि इन सीरम्स की कॉम्बिनेशन को आप मत यूज़ करें। प्लस स्किन जो होती है वो शॉक मांगती है, जैसे अगर आप सेम एक्सरसाइज करते रहें तो आपकी जो बॉडी है वो उस एक्सरसाइज की यूज्ड हो जाती है और फिर आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलते। सो जैसे हम एक्सरसाइज को शिफ्ट करते रहते हैं, इसी तरह हमें अपनी स्किन की जो रूटीन है उसको भी शिफ्ट करने की ज़रूरत होती है। अच्छा, अब एक जो डे टू पे आपकी रूटीन होनी चाहिए वो ये है कि आपने आधा घंटे की क्लेंजिंग की, फेस वॉश किया, उसके बाद आपने टोनर को अप्लाई किया, और ये टोनर नॉर्मल टोनर है, ये ग्लाइकोलिक एसिड वाला टोनर नहीं है। और इसके बाद आपने जो अपनी फेस की रूटीन है उसमें आप रेटिनॉल यूज़ करें, एक मॉइस्चराइज़र रेटिनॉल, और उसके साथ आप हायलुरोनिक एसिड यूज़ करें। डे थ्री के ऊपर आप नॉर्मल टोनर यूज़ करें फेस वॉश करने के बाद, और उसके बाद आप सेलिसाइलिक एसिड और हायलुरोनिक एसिड को यूज़ कर सकती हैं। अगर आपके बहुत ज़्यादा एक्टिव एक्ने हैं तो फिर आप हफ्ते में दो दिन सैलिसाइलिक एसिड को हायलुरोनिक एसिड के साथ रखें। और जिन लोगों के ओपन पोर्स, ऑब्वियसली एक्ने होता है, उनके ओपन पोर्स का इशू भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो फिर दो दिन सैलिसाइलिक एसिड को भी यूज़ करें और नायासिनमाइड को भी यूज़ करें। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि आपकी जो प्रॉपर डीप क्लेंजिंग, उसके बाद टोनर,
उसके बाद ग्लाइकोलिक एसिड का टोनर जो डबल काम करता है, एक तो एक्सफोलिएट करता है डेड स्किन को, मिलाज़मा को, फ्रैकल्स को आपके फेस के ऊपर से, और नंबर टू वो ये करता है कि आपके पोर्स को श्रिंक करता है, पोर्स को बंद करता है। जिस दिन आपने ग्लाइकोलिक एसिड का टोनर यूज़ करना है उस दिन आपने साथ हायलुरोनिक एसिड या सिंपल डीप मॉइस्चराइज़र, जैसे बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के मॉइस्चराइज़र्स आए हुए हैं क्लिनिक का, यूज़ कर लें। एस्टी लॉडर है, आप बाहर जाती हैं, आपका जो जो भी आपकी स्किन को सूट करता है, जो आपकी स्किन को इट मेक्स अ डिफरेंस टू योर स्किन, और प्रोडक्ट ओरिजिनल होनी चाहिए। पाकिस्तान में ओरिजिनल प्रोडक्ट लेना बाहर की बहुत मुश्किल है, तो जब भी आपका कोई भी जानने वाला बाहर से आ रहा हो तो कोशिश करें कि आप दो चार अच्छे सीरम्स, अच्छे क्लेंजिंग मिल्क्स और अच्छी प्रोडक्ट्स मंगवा लें, क्योंकि इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट आपके लिए और कोई नहीं हो सकती। ऑनलाइन यूजुअली चीज़ें बहुत ज़्यादा फेक मिल रही हैं, और द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन योर स्किन इज़ गुड प्रोडक्ट्स। तो अब आपने अपनी स्किन को डेली एक नई रूटीन में डालना है, डिपेंडिंग ऑन योर एज। अगर आप टीन एज में हैं, आपकी 20s से 30s में स्किन है, तो आप कोशिश करें कि आप एक रात हायलुरोनिक एसिड टोनर और सेलिसाइलिक एसिड और नायासिनामाइड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, हफ्ते में दो दो दिन। और रेटिनॉल आपके लिए नहीं होना चाहिए, रेटिनॉल वंस अ वीक काफ़ी है। रेटिनॉल इज़ मोर गुड फॉर मैच्योर एजिंग स्किन, जिस स्किन के अंदर हार्मोनल एजिंग हो रही है, जो औरतें स्ट्रेस से या अपनी वेट लॉस फैट की वजह से या लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ मूवमेंट, लैक ऑफ टिश्यू फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जो एज आउट हो रही हैं, उनकी फिर स्किन वैसी ही होती है। पानी का इनटेक एंड डाइट अगर अच्छी नहीं है तो फिर रेटिनॉल चाहिए होता है। अच्छा, अब जो खवातीन 30 to 40 हैं और 40 to 50 हैं, उनको यूजुअली एक्ने कम होता है, उनको एक्ने पिट्स ज़्यादा होते हैं। एक्ने पिट्स के लिए यूजुअली सीरम्स का इतना रोल नहीं है, उसके लिए आपको इन्वेसिव थेरेपी के साथ सीरम्स यूज़ करने पड़ेंगे फॉर बेटर रिजल्ट्स, जिसमें एक्ने के पिट्स के थ्रेड्स भी हैं, स्कारलेट है, डायमंड पील है, माइक्रोडर्मा एब्रेशन है, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो कि एक्ने पिट्स के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। एंड आफ्टर टेकिंग दोज ट्रीटमेंट, जब आप सीरम्स यूज़ करती हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अच्छा, 30 to 40 के अंदर आपको रेटिनॉल, विटामिन सी, ग्लाइकोलिक एसिड टोनर, हायलुरोनिक एसिड, एक बहुत अच्छी क्वालिटी का रिंकल रिपेयर सीरम आपके पास होना चाहिए, एक नाइट वो भी यूज़ करें। इसके अलावा जैसी सर्दी आजकल है, उसमें डीपली जो ड्राई और डिहाइड्रेटेड स्किन है, इसके लिए आपको ज़रूरत है फेशियल ऑयल्स की, जो मिस्ट की फॉर्म में भी आते हैं, स्प्रे की फॉर्म में भी आते हैं। एंड कोशिश करें कि अपनी हर लेयर ऑफ सीरम और मॉइस्चराइज़र को आपने 10-10 मिनट का गैप देना है, उसको प्रॉपर ड्राई होने दें। एक छोटा हैंड फैन ले लें, हैंड फैन या किसी पेपर से आप हिलाएं, या वैसे अपने कोई और काम कर लें, बट डोंट ट्राई टू पुट सीरम्स एक दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसका ना आपको कोई फ़ायदा होगा और ना ही सीरम की जो क्वालिटी है वो भी ज़ाया हो जाएगी, आपकी प्रोडक्ट भी ज़ाया हो जाएगी, उसकी अब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी। स्किन केयर एक काफ़ी सब्र आमेज़ काम है, ये आपको सब्र भी सिखाता है, आपको टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन इज़ अ वेरी डिलाइटफुल जर्नी इन अ वे, कि ये आपको बहुत ज़्यादा सुकून से अपनी स्किन को रोज़ परसिस्टेंस के साथ वॉच करना, उस पर काम करना, उसके ऊपर रिजल्ट्स को वॉच करना। और फिर जब आप मेरे पास आती हैं तो मैं आपकी स्किन को देख के आपकी एक होम नाइट रूटीन जो है वो आपको डिज़ाइन करके भी दे सकती हूँ, और बल्कि मैं अक्सर क्लाइंट्स को देती हूँ, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और उसमें फिर आपकी स्किन टाइप देख के आपको सनब्लॉक भी एडवाइस किया जाता है, आपको बताया जाता है कि आपने जब दिन में निकलना है, दिन में आपने कोई काम करने हैं, तो आपने क्या क्या चीज़ें अप्लाई करनी है।
तो आई थिंक लेयरिंग ऑफ सीरम्स एंड द क्वेश्चन अबाउट ग्लाइकोलिक एसिड सीरम बहुत दफ़ा आया है. तो ग्लाइकोलिक एसिड का जो सीरम है ये केमिकल पील्स की फॉर्म में आता है, और ये केमिकल पील्स सिर्फ आपको क्लिनिक्स पे अवेलेबल होते हैं, जहाँ पे हम अपनी पूरी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कराते हैं अबाउट हमारी सर्टिफिकेशंस जो होती हैं. क्योंकि ग्लाइकोलिक एसिड का जो पील हमारे पास क्लिनिक्स में अवेलेबल है वो तकरीबन 50% 60% 70% 80% तक होता है, जो बहुत हाई ग्रेड हैवी पोटेंसी पील है. और इसको हम लोग भी बहुत ही सुकून से, बड़ी सलीके से, बहुत सोच के, बड़े तहम्मुल से यूज़ करते हैं. तो घर पे तो आप इस पील को यूज़ करने के बारे में सोचें नहीं. हाँ, अल्फ़ा बीटा पील्स आते हैं सुपरफिशियल डर्मल लेयर की क्लीनिंग के लिए, वो आप 15 दिन में एक दफ़ा ओवरनाइट यूज़ कर लें किसी अच्छे ब्रांड का. उससे भी बहुत अच्छा आपका फेस नीट हो जाता है, मिलाजमा, फ्रैकल्स, छोटी मोटी डेड स्किन वो सब निकल जाती है. तो बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत ज़्यादा लोग लिखवा के गए हैं कि ये इस चीज़ पे आप वीडियो बनाइए कि सीरम्स की लेयरिंग कैसे करनी है, कौन से सीरम्स कैसे यूज़ करने हैं. अब मैं आगे इसको थोड़ा और डिफरेंशिएट करूँगी, यानी अगर एक्ने प्रोन स्किन है तो उसके लिए लेदर से आपको एक हम कैटेगरीज बना देंगे, अगर एजिंग और मेच्योर स्किन है तो उसके लिए लेदर से एक वीडियो मैं बनाऊँगी, अगर वाइट ब्लैक हेड्स हैं या रिंकल्स हैं, फाइन लाइन्स हैं, तो फिर नेक लाइंस हैं, उसके लिए लहदा वीडियो बनाऊंगी. और मेरी आपसे सबसे ज़्यादा गुजारिश जो है वो ये है कि प्लीज़ अपने मुंह के इस हिस्से तक ही सीरम्स को मत रखा करें, अपनी नेक को उतनी ही इम्पोर्टेंस दें जितनी आपकी फेस की इम्पोर्टेंस है. क्योंकि नेक जो है उसको ज़्यादा हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है. हमारे पास बहुत औरतें आती हैं नेक लाइंस के लिए, 90% काम हम आपसे ही करवाते हैं. आपको मैं गाइड कर रही हूँ कि अगर आपने नेक के 2 से 5 सेटिंग्स लेनी है ट्रीटमेंट की, तो आपका काम एक सेटिंग में भी हो जाएगा. अगर आपकी नेक प्रॉपरली हाइड्रेटेड है, मॉइस्चराइज्ड है, आप उसको वही सीरम्स, वही चीज़ें लगाती हैं जो फेस पे लगाती हैं, तो आपको कई गुना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. तो ये मेरी रिक्वेस्ट थी कि बचा हुआ जो सीरम है वो सिर्फ नेक पे ना लगाएं, बल्कि मटर के दाने जितना सीरम और क्रीम नेक पे लगाएं उतना ही हाथों पे भी लगाएं, ना हाथों को भी बहुत हाइड्रेट रखें. कुछ समझ नहीं आती तो अच्छी सी पेट्रोलियम जेली एक रात हाथों पाँव पे मल के ग्लव्स पहन के सो जाएं, प्लास्टिक वाले ग्लव्स पहन के, तो आपके हाथ बहुत बेहतर हो जाएंगे. और मैंने अपने चैनल पे एक क्रीम भी बताई हुई है हाथों को सॉफ्ट और हाइड्रेट रखने के लिए, वही जो क्रीम है वो आप नेक पे भी यूज़ कर सकती हैं, और आपकी नेक आप देखेंगे कि बहुत बेहतर हो जाएगी इन बेसिक बातों से. तो नेक्स्ट वीडियो की सीरीज़ में हम आगे चलते हैं. अभी काफ़ी क्लाइंट्स आए हुए हैं एंड आई हैव टू मतलब सी ऑल माय क्लाइंट जो वेट कर रहे हैं. इरादा वरना मेरा था कि मैं थोड़ी सी और लंबी बात करूँगी, एक्ने प्रोन पे अलहदा बात करूँगी, वाइट ब्लैक हेड्स पे अलहदा बात करूँगी, बट बार बार लोग आ रहे हैं तो इसलिए आई वुड लाइक कि पहले हम ये कर लें और फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं अलग अलग सब सीरम्स और सब स्किन कंडीशंस के ऊपर बात करके आपको लेयरिंग बताऊंगी. थैंक यू वेरी मच.